छत्तीसगढ़ में भाजपा आक्रामक नजर आ रही है। भाजपा नेताओं ने टूल किट मुद्दे पर एफआईआर के विरोध में धरना दिया और कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार पर निशाना साधा। भाजपा नेताओं ने कहा, कांग्रेसी नेता हमेशा देश को बदनाम करने की कोशिश में लगे रहते हैं। टूल किट मामले को लेकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी के दिग्गज नेताओं के खिलाफ कांग्रेस ने आपराधिक प्रकरण दर्ज कराए हैं। वहीं इससे भाजपा उग्र होने लगी है। भाजपा ने इस मुद्दे को लेकर प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन किया है। पूरे प्रदेश भर में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि टूल किट देश को बदनाम करने की साजिश है, कांग्रेसियों ने देश को बदनाम करने की साजिश की है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि एफआईआर दर्ज ना करके हमें गिरफ्तार कीजिए, इसके लिए हम तैयार हैं। उन्होंने कहा, हजारों लोगों ने इस पर ट्वीट किया है, उन्हें भी गिरफ्तार कीजिए। कुंभ को बदनाम किया जा रहा है, सेंट्रल विस्टा को मोदी महल कहकर बदनाम किया जा रहा है, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री वैक्सीन को बैन करते हैं, भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति के मन में पूर्वाग्रह है, जो बदला की राजनीति और करने के लिए जिसके सोच में है, तो वो इस प्रकार की कार्रवाई करता है। छोटी मानसिकता के साथ जब इस प्रकार के काम होते हैं तो उनको लगता है कि एफआईआर कर देना बहुत बड़ी बात हो जाएगी और गिरफ्तारी का भय दिखाया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता इसकी चिंता नहीं करता। पूरे छत्तीसगढ़ में इन लोगों ने शिकायत की है, हम तो खुली चुनौती देते हैं उनको। आप केंद्रीय योजना को केंद्रीय योजना रहने नहीं देना चाहते, यहाँ आकर उसकी योजना को नाम बदल देते हो। जब इतनी भी इस राज्य सरकार के पास मानवता नहीं है कि उन योजनाओं को क्रियान्वयन करके और उसका लाभ लें, गरीबों को लाभ दें। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।